नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम साथियों आपको बताएंगे बाल झड़ने से रोकने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। उससे पहले साथियों यह बात कर लें कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे हम लोगों के स्कैल्प पे बाल ग्रो करते हैं, कब तक ये बने रहते हैं और कब तक झड़ते हैं, क्योंकि सवाल ये ज़्यादा रेलिवेंट है कि कब बाल झड़ने से रोकने की दवाओं की ज़रूरत है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग के 40 से 80 बाल रोज लगभग सबके झड़ते हैं स्कैल्प से, लेकिन जब 80 के ऊपर प्रतिदिन के बाल ये झड़ना शुरू हो जाएं तो हम लोग को दवाओं की ज़रूरत होती है। इस बात को समझने के लिए साथियों हम आपको इसकी स्टेजेस के बारे में बता दें। हेयर फॉल को हेयर ग्रोथ में 3 स्टेजेस का जो है वो रोल होता है। पहली स्टेज एनाजेन होती है। एनाजेन वो स्टेज होती है जिसमें हम लोगों के बाल ग्रो करते हैं। जितना लंबा समय तक एनाजेन स्टेज चल जाती है उतने लंबे आपके बाल हो जाते हैं। औसत समय एनाजेन स्टेज का 1000 दिन होता है, यानी 1000 दिन तक बाल ग्रो करता रहता है। और यह 2 से 6 साल भी हो सकता है, लेकिन 1000 दिन एक एवरेज होता है जो एनाजेन स्टेज काम करती है, यानी इतने वक्त तक हम लोगों के बाल लंबे होते रहते हैं। इसके बाद साथियों कैटाजेन स्टेज आती है, यह 2 हफ्ते की होती है। इसमें हम लोग की फॉलिकल ख़त्म होने लगती है और जहां तक बाल बढ़ चुका होता है उसके बाद यहां पे स्टॉपेज लग जाता है। उसके बाद एक टेलोजेन स्टेज आती है। टेलोजेन स्टेज में पुराना बाल हमारा गिर जाता है, फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी जगह नई फॉलिकल निकल आती है। यह 2 से 4 महीने तक स्टेज रहती है। एक समय में हम लोगों के 90% एनाजेन स्टेज चल रही होती है और 10% कैटाजेन स्टेज चल रही होती है। ये साथियों हो गया हम लोग के स्कैल्प का मैकेनिज्म। अब हम लोग सीधे इस बात पर आते हैं कि बाल झड़ रहे हैं तो करा क्या जाए। एक इसको हम लोग 4 तरह से क्लासिफाई कर लेते हैं या 5 तरह से कर लेते हैं। पहला साथियों होता है एलोपीसिया एरियाटा। एलोपीसिया एरियाटा वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी के सेल्फ का इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है। वो अपने बालों को फॉरेन पार्टिकल समझ के फॉलिकल्स को अपने ही सर के बालों को अपना ही शरीर डिस्ट्रॉय करने लगता है। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है और यह एक पैचेस में बाल जाते हैं। तो साथियों अगर किसी को एलोपीसिया एरियाटा यानी पैचेस में बाल जाने की शिकायत है तो उसकी 3 या 4 बहुत कारगर दवाएँ हैं। पहली दवा साथियों इसकी है एसिड हाइड्रोफ्लोर। अगर आपके बाल पैचेस में स्कैल्प से जा रहे हैं तो आप एसिड हाइड्रोफ्लोर 30 पावर में दिन में 3 बार उपयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका 3 से 6 महीने से 8 महीने के अंदर आपके बाल रीग्रो करने लगेंगे। दूसरा साथियों इसकी दवा होती है फॉस्फोरस। अगर आपका पैचेस में बाल जा रहा है तो आप फॉस्फोरस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी एलोपीसिया एरियाटा की बहुत कारगर दवा है। फॉस्फोरस 30 दिन में आप 3 बार ले लें। तीसरी दवा साथियों बराइटा कार्ड 30 और चौथी दवा ग्रेफाइटिस 30, यह दोनों दवा भी आप ले सकते हैं। इस तरह एलोपीसिया एरियाटा की 4 बेहतरीन दवाएँ हमने आपको बता दी। एक हो गई लाइकोपोडियम, दूसरी हो गई बराइटा कार्ड, तीसरी हो गई ग्रेफाइटिस और चौथी हो गई एक और दवा है सिलीनियम। यह दवा आप एलोपीसिया एरियाटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद साथियों दूसरी स्थिति आती है बाल जहां हैं वहां रुक गए, वो रीग्रो ही नहीं कर रहे। तो बालों की रीग्रोथ के लिए होम्योपैथी में 3 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम 30 आप दिन में 3 बार ले सकते हैं जिनकी बालों की ग्रोथ होना रुक गई हो और आपका जो है नॉर्मली पेट खराब रहता हो या इसका गुड़गुड़ाहट होती हो पेट में, यह लाइकोपोडियम का एक सिम्टम है। दूसरी दवा बराइटा कार्ब है साथियों। बराइटा कार्ब जो है वह भी दिन में 3 बार लेने से आपके बालों की ग्रोथ जो रुकी हुई है वो बढ़ने लगेगी। और तीसरी दवा है एसिड फॉस। एसिड फॉस 30 यह भी आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद ले लें तो आपका बाल जो रुकी हुई ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी। फिर साथियों दूसरी कंडीशन जो बनती है कि यंग पीपल में बाल, जवान लोग हैं और बाल झड़ते जा रहे हैं, इसके लिए साथियों 3 बहुत कारगर दवा हैं। पहली फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 1 mg पावर में हर हफ्ते आप एक खुराक ले लें। और इसके अलावा आप साइलिसिया 30 दिन में 3 बार और बराइटा कार्ब 30 दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। इससे जो यंग पीपल में बाल झड़ रहे हैं वह आपके वापस रीगेन हो जाएंगे, वापस ठीक हो जाएंगे। फिर एक आता है साथियों बाल पतले हो गए,
थिनिंग ऑफ हेयर, हमारे बाल बहुत पतले होते जा रहे हैं, ये एक सवाल उठता है। इसकी साथियों बहुत अच्छी दवा नेट्रम्यूर और कैल्केरिया कार्ब है। नेट्रम्यूर 1 mg आप अगर वीकली ले लेते हैं तो आपका जो थिनिंग ऑफ हेयर की समस्या है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल थोड़े घने से दिखने के लिए वो थोड़ा सा उसमें थिक हो जाएंगे। दूसरी दवा कैल्केरिया कार्ब 30 है साथियों, यह भी थिनिंग ऑफ हेयर के लिए बहुत ही अचूक दवा है। फिर साथियों एक बात आती है कि व्यक्ति बीमार हुआ और उसके बाल झड़ने लगे, तो अगर बीमार होने के बाद बाल झड़ने लगे, कोई भी उसको बीमारी हो गई और बाल झड़ने लगे, तो इसके लिए साथियों एसिड फॉस बहुत अच्छी दवा है। चेंज ऑफ जिस डिजीज़ की दवा जो है, या डिजीज़ की दवा जो है, डिजीज़ कंडीशन के बाद की कंडीशन की दवा बहुत अच्छी है एसिड फॉस 30। उसके अलावा साथियों अगर किसी को लेडीज़ में PCOD की शिकायत है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, थायराइड उसको हो गया है उसके, और उसको डैंड्रफ भी है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 दिन में 3 बार लेने से जिन लेडीज़ को PCOD है, थायराइड की दिक्कत है, प्रेगनेंसी के बाद की दिक्कत है, डैंड्रफ है, उसकी बहुत अच्छी दवा जो है वह ग्रेफाइटिस है। ग्रेफाइटिस डैंड्रफ में काम आती है, साथ में डैंड्रफ में आप जो है वह बैसिलिनम और मिजेरियम 30, जब आपके बालों में खुजली हो, तो आप खुजली होती है, लोग कहते हैं डैंड्रफ हो रहा और खुजली हो रही है, उसके लिए मिजेरियम 30 बहुत अच्छी दवा है। और अगर रिंग वर्म का कोई एक्जेमा का इन्फेक्शन है तो आपके लिए बैसिलिनम बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा साथियों अगर आपके दाने फोड़े फुंसी सर में निकल रहे हैं, उसके बाद आपके बाल झड़ने लगे हैं, तो इसके लिए साथियों सोराइनम बहुत अच्छी दवा है। सोराइनम 30 अगर आप दिन में 3 बार ले लेते हैं तो आपका हेयर फॉल उससे भी, जो दानों के कारण और एक्जिमा के कारण स्कैल्प में हो रहा है, वह रुक जाएगा। इसके अलावा साथियों कुछ लोगों के वीकनेस से बाल झड़ते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब वीकनेस बहुत हो रही है और बाल झड़ने लगे, इसके लिए साथियों बहुत ही अच्छी दवा एसिड फ्लोर 30 है। एसिड फ्लोर 30 आप ले सकते हैं, एसिड फ्लोर 30 लेने से आपका वीकनेस से बाल जो झड़ रहे हैं वो रुक जाएंगे। फिर साथियों एक कंडीशन आती है प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ने लगे, आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर पार्चुरेशन बाल झड़ने लगे, लेडीज़ क्लिनिक आती हैं इस बात को हमारे सामने रखती हैं, तो आफ्टर प्रेगनेंसी अगर बाल झड़ रहे हैं तो साथियों कैल्केरिया कार्ब से बेहतर दवा नहीं हो सकती। कैल्केरिया कार्ब 30 आप दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप जुबान पर लेते रहें, आपके बाल झड़ना निश्चित रूप से रुक जाएंगे। और दूसरी दवा इसकी पल्सेटला है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप फेयर फैट एंड फ्लैबी हैं, तो कैल्केरिया कार्ब हो गई और दूसरी दवा इसकी पल्सेटला 30 हो गई, जो कि अगर आपको ताज़ी हवा में जाने की इच्छा होती और प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, यह सिम्टम है, तो आप पल्सेटला 30 ले लें, इस सबसे आपको रिकवरी हो जाएगी। और जनरल बाल झड़ने की दवा में साथियों फॉस्फोरस 1 mg एक आप वीकली ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा बैल्डनेस आ रही है तो सिलीनियम बहुत अच्छी दवा है, सिलीनियम 30 आप दिन में 3 बार ले लें, इससे भी आपको लाभ हो जाएगा। इसके बाद साथियों हम आपको एक चीज़ बताते बताते आपसे विदा लेंगे, एक बहुत अच्छी आपको कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप बराइटा कार 30 तो आप आर्निका का मदर टिंचर, ब्राह्मी का मदर टिंचर और जबरेंडी का मदर टिंचर ले सकते हैं। इन तीनों को आपस में मिक्स कर लें और इसका 5-5 बूंद मिला के पानी में डाल लें, उसको रुई से अपने बालों में आप लगाएं, निश्चित रूप से उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। और साथियों जाते जाते एक और बढ़िया बात, असमय अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो भी एक मुद्दा उठता है, वो भी एक बात उठती है कि असमय हमारे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, मेरे तो सफ़ेद हो रहे हैं, अब हम लोग 40-42 के पार हैं, और लेकिन एसिड फॉस 30 और लाइकोपोडियम 30 यह दो दवाएं जो है वह आपके असमय सफ़ेद हुए बालों को काला करने में या असमय सफ़ेद हुए बालों को बढ़ने से रोकने में मदद करती हैं और उनके हुए ब्लैक हेयर्स की तरफ आपको रिगेन करने में हेल्प करती हैं। एसिड फॉस 30 लाइकोपोडियम 30, ये साथियों हमारा जो कुछ आपके लिए जो कुछ था, आज हमारा जन्मदिन है तो उस आधार पर ये एक तोहफा भी आप हमारी तरफ से अपने लिए समझ सकते हैं। आज 24 सितंबर को मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप शायद इस वीडियो को बाद में देखें। साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, नॉलेज को आगे बढ़ाएं, आप भी नॉलेजेबल हों और दूसरे को भी नॉलेजेबल बनाएं, और
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हम लोग का छोटा सा प्रयास है, यह एक इन्फॉर्मेशन है। हमारा ये इच्छा है आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो आपको दवाओं की कुछ नॉलेज होनी चाहिए, उस नॉलेज होने से बहुत लाभ मिलता है और आपको जो है फिर आप किसी से बात कर सकते हैं कि ये दवाएं हैं, इन्हीं के सिम्टम के आधार पर आप कुछ और बढ़ा के दवा ले सकते हैं। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।